सकते हैं करने के लिए। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस कार्यक्रम के को स्पॉन्सर हैं NHMMI नारायणा, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पावर्ड बाय ISBM यूनिवर्सिटी, फिटनेस पार्टनर हैं क्रिस गैथल जिम सपोर्टेड बाय श्री नारायणा हॉस्पिटल, पॉजिटिव हेल्थ जोन यशोदा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल, हम आभारी हैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन और आयुष IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के। और इसके बाद ही चलिए हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे बीच सभागृह में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद हैं माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री कुलदीप जुनेजा जी, हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच रायपुर SP श्री आरिफ शेख जी मौजूद हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और नमित जैन जी से निवेदन माननीय अतिथि गणों के स्वागत के लिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर एक इंसान के लिए जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ भोजन का अधिकार भी सम्मिलित है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि लोगों के पोषण और जीवन के स्तर को उठाने के साथ ही जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य और यहाँ की सरकार इसके लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक है, संवेदनशील है और इस दिशा में काम भी कर रही है। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण हमारे बीच मौजूद है। हम आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी। और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूं चेयरमैन श्री नमित जैन जी। इसके साथ ही मैं निवेदन करती हूं उद्बोधन के लिए माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी को। आज कुपोषण से कैसे मुक्ति पाएं, ये स्वराज एक्सप्रेस और lallu.com के तत्वाधान में आज यहाँ उपस्थित आदरणीय बड़े भैया अकबर जी, मंच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय रामदास अग्रवाल जी, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय तिवारी जी, हमारे विधायक भाई कुलदीप जुनेजा जी और यहाँ उपस्थित हैं सारे अधिकारीगण, हमारे रायपुर जिला के SP साहब और विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी जन प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित यूनिसेफ से भी आए हुए समस्त अधिकारीगण, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम सब कुपोषण से कैसे मुक्ति पाएं, इसके लिए सब विचार मंथन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये हमारे प्रदेश क्या देश के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। आज हम सब कुपोषण की बात करते हैं कि यहाँ खाली बच्चों और महिलाओं की ही बात नहीं कही, हमारे यहाँ पे विषय विशेषज्ञ लोग भी उपस्थित हुए हैं और उनके माध्यम से भी उनके विचार भी ये है कि खाली हम बच्चे ही कुपोषित नहीं है या महिलाएं एनीमिया के शिकार नहीं है, यहाँ पे और
वर्ग के लोग भी कुपोषित हैं। वो कुपोषित होने का कई तरीका है। हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि आज के दिनचर्या रहन सहन के कारण भी हमारा देश या प्रदेश कुपोषित हो रहा है। और बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में ये लगता है कि जैसे बस्तर, खासकर बस्तर से ये बात निकल के आ रही है कि अधिकतर कुपोषित हमारे जो छत्तीसगढ़ में 37% कुपोषण है वो अधिकतर हमारे बस्तर संभाग से है। तो बस्तर संभाग की जो दिनचर्या है, वहाँ की खान पान है, रहन सहन है, वास्तव में उसमें बहुत ही कमी है। ये इसका कारण क्या है, कुछ अशिक्षा भी है और कुछ तो वहाँ की जो हमारी खान पान है उसमें भी उन्हें सही जानकारी ना होने के कारण, और कम उम्र में भी हमारी बच्चियों की शादी होने का भी कारण एक एनीमिया और कुपोषण का कारण है। मुझे ऐसे लगता है कि इतना शिक्षित, इतना शिक्षा और जगह जगह इनका प्रचार प्रसार होने के बाद भी अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह की माहौल व्याप्त है, जिसके कारण बहुत से परिवार अभी भी मानसिक रूप से कुपोषित है, जिसके कारण हम जितना जल्दी हम कुपोषित से दूर, कुपोषण को दूर कर सकते हैं उसमें कमी आई है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी पिछले एक साल से हम लोगों को जो बौनापन में 15% से अधिक जो कमी आई है, उसके लिए भी हमारे केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक उसे नवाजा गया है, उन्हें अच्छा राज्य की घोषणा करके उनको एक सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को इनाम के रूप में दिए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पोषण आहार के लिए भी हमारे छत्तीसगढ़ को एक अच्छा स्थिति के लिए, अच्छा कार्य के लिए राज्य केंद्र सरकार के द्वारा इनाम के रूप में नवाजा गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। परंतु हमें ये लगता है कि जैसे यूनिसेफ के हमारे डायरेक्टर यहाँ बैठे थे, वो भी कह रहे थे कि हम सबको मिलके कुछ ऐसा काम करना है, चाहे वो उसमें कॉलेजों में करें, चाहे स्कूलों में करें, जो किशोरी बालिकाएं हैं, किशोरी बालिकाओं के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। उन्हें जैसे कि हम कभी हॉस्टल में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो उन्हें एक शपथ के रूप में हमें दिलाना चाहिए कि ये चीज हमें नहीं करना है, इससे हमारे शरीर में या हमारे दिनचर्या में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम कुपोषण की ओर बढ़ेंगे। हम जब माताएं हो जाती हैं तब उसे बोलते हैं कि वो एनीमिया के शिकार है, वो कुपोषित है। हम अगर 15 साल की उम्र से ही उन लड़कियों को इस तरह की शिक्षा दे दें तो शायद आने वाले जो कुपोषण है, जैसे हमारी माताओं में एनीमिया के शिकार हैं, उसमें कमी आएगी, मुझे ऐसे लगता है। तो हमारे राज्य सरकार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की भी एक सोच है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कुपोषित मुक्त राज्य बने, हम एक सुपोषित राज्य के अभियान के रूप में उन्होंने घोषणा कर दिया। तो हम सब राज्य सरकार के साथ साथ हमारा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, इसके लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो आंगनबाड़ी से लेके हो, हमारे राज्य कार्यालय तक की हो, सब हम सब मिलके इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, चाहे हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, चाहे हमारे अधिकारी वर्ग हो, चाहे और विभाग विभिन्न